हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कंप्यूटर टेक इंडिया। डॉक्टर कंप्यूटर टेक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सो आज मेरे पास है वीवो का Y20G फोन। इस फोन में टॉक बैक यानी कि ऐसा, अगर आपके भी फोन में जहाँ पे भी टच करते हैं कुछ भी बोलने लग जाता है, बैक बैक करने लग जाता है, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, यहाँ पे टच भी करते हैं तब भी ये काम नहीं करता है ठीक से, यहाँ पे जहाँ पे भी ओके करते हैं ऐसा ग्रीन बॉर्डर आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो इसको कैसे ठीक करें बिना किसी कंप्यूटर से, बिना किसी सॉफ्टवेयर करके, वही मैं डिटेल्सली दिखाने वाला हूँ। सो कहीं पे भी आपको नहीं जाना है, आप खुद घर बैठे आप खुद कर सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो जो भी मेरे चैनल में नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मोबाइल का किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद घर बैठे कर सके। सो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और इसका प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाते हैं कैसे क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है फोन में। सो ये वीवो का Y20G फोन या फिर Y12S फोन में आप ये ट्राई कर सकते हैं ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो वीवो का किसी भी फोन में आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, इसको बंद या फिर चालू कर सकते हैं। सो अभी मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पे दिखाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी टच करते हैं ऐसा ग्रीन बॉर्डर आ जाता है, कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। देह पे देखिए, यहाँ पे ऊपर नीचे करते हैं वो भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ भी लिखा आ जाता है और यहाँ पे टच करने से बोलने लग जाता है। सो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है और किस लिए होता है, ये जो प्रॉब्लम है आखिर ये टॉक बैक कहा जाता है इसको। इसको बंद करने के लिए यहाँ पे फ़ोन का पहले सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है Y20G फ़ोन या फिर Y12S फ़ोन, इस दोनों फ़ोन में एक ही प्रोसेस है। सो आपका फ़ोन कोई सा भी हो आप ठीक कर सकते हैं। सो यहाँ पे यहाँ से ऐसे दो उंगली से ऐसे सेटिंग में चले जाना है फ़ोन का, ऐसे दो उंगली से काम करना है। यहाँ पे दो उंगली से काम करेगा अभी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग है, यहाँ पे ऐसे सेटिंग में एक बार क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे दो बार टैप करने से ओके होगा। यहाँ पे देखिए डबल टैप करते हैं ऐसे डबल पे, ये ओपन हो चुका है सेटिंग। यहाँ पे नीचे चले जाना है, देखिए ऐसे करके नीचे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम लास्ट नीचे से देखना है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ऐसे ग्रीन बटन ले आना है, उसके बाद यहाँ पे डबल टैप करना है ऐसे, डबल टैप करने से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो उंगली से ऊपर जाना है थोड़ा, यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी लिखा रहेगा, यहाँ पे डबल टैप ऐसे एक बार टैप करने पे ग्रीन बटन, उसके बाद डबल टैप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉक बैक लिखा हुआ है, ये जो टॉक बैक का ऑप्शन है इसमें चले जाना है डबल टैप करके ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज टॉक बैक लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक मरा हुआ है, इसको अनटिक ऐसे अनटिक कर देना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे फिर से डबल टैप, अभी देखिए टॉक बैक ऑफ बोल दिया है फ़ोन ने। सो यहाँ पे ऑफ हो चुके हैं, अभी देखिए एक बार क्लिक करने से बैक हो जाएगा, यहाँ पे एक बार में ये रिमूव होने लग जाएगा। सो ऐसे करके आप किसी भी मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सो वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे जरूर शेयर करना दोस्तों के साथ, और आपका भी मोबाइल का किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो जाए सो आप इस चैनल का सारी वीडियो को फॉलो करके आपका फोन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सो वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे मजेदार मोबाइल का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद घर बैठे कर सके, बिना किसी कंप्यूटर से, बिना किसी सॉफ्टवेयर करके, कहीं पर भी किसी भी पैसा खर्च नहीं करना है, आप फ्री में कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।